नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार। अभी एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के आर ग्राफिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इंडिरेक्ट फिल्म द्वारा स्क्रीन पर मीटर बनाते हैं, कोई अक्षर फंस रहा है, सही से मीटर नहीं बन रहा है तो क्या करना चाहिए। जैसे अक्षर कोई फंस जाता है, नहीं खुलता है सही से फिल्म द्वारा, तो सही से हम उसको छाप भी नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस घंटी को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, फिल्म बनाने से पहले जब हम बटर पेपर निकालते हैं उसमें मीटर बिल्कुल काला होना चाहिए। जितने भी ब्लैक कलर का प्रिंट होगा उतने ही अच्छा मीटर बनता है फिल्म द्वारा स्क्रीन पे। तो आप लेज़र प्रिंटर से बटर पेपर को प्रिंट निकालें, फिर भी उतना ज़्यादा ब्लैक नहीं होता है। दोस्तों, लेज़र प्रिंट से भी निकालते हैं तो ज़्यादा ब्लैक नहीं होता है प्रिंट। तो उसके लिए ब्लैक करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर का बोतल मिलेगा प्रिंटो एनहांसर, इसका नाम है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, 150 रुपये का मिलेगा आपको, उसी शॉप में मिल जाएगा जिस शॉप से आप सारे मटेरियल लाते हैं स्क्रीन पे काम करने के लिए, उसी शॉप में भी मिल जाएगा एनहांसर। इसको भी आपको लाना होगा। जो बटर पेपर निकालेंगे प्रिंटर द्वारा, जो हमारा मीटर होगा, अक्षर होगा, उस पर बूंद बूंद करके इससे डालेंगे तो बिल्कुल ब्लैक कलर में प्रिंट हो जाएगा और उससे हम मीटर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा से मीटर बनेगा, कहीं अक्षर फंसने का डर नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर मीटर बनेगा जैसे हमारा बटर पेपर को प्रिंट होगा। तो इसको भी आप खरीद लें और आपको दिखा देते हैं कैसे डालना है बटर पेपर के ऊपर जो हमारा मीटर होता है। इस एनहेंसर को अक्षर के ऊपर गिरा देंगे, जितना भी अपना बटर पेपर पे जो मीटर निकाले हैं ऐसे, तो बिल्कुल ये प्रिंट काला हो जाएगा और स्क्रीन पर बिल्कुल सही से मीटर खुलेगा, जितना भी अक्षर है बिल्कुल सही से खुलेगा। ऐसे जितना भी अक्षर है इस एनहांसर से इसको पहले ऐसे गीला कर दे, जब एक गिल्ला हो जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल आपको दिखेगा कला दिखने लगेगा अक्षर, जितने भी अपना अक्षर है बटर पेपर पे जो हम मीटर निकाले हैं बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा ब्लैक कलर में। अब ये मीटर बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा से मीटर बनेगा, कहीं फंसे उसेगा नहीं। और इसको थोड़ा देर ऐसे सूखने दे, ये गिल्ला हो गया है जितने भी अक्षर है, धूप में ऐसे सुखा देंगे, नहीं तो ऐसे भी थोड़ा देर के बाद ये अपने आप ये सूख जाएगा। उसके बाद ही इस पर इनडायरेक्ट फिल्म रखेंगे और एक्सपोज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर अक्षर होगा जो बिल्कुल क्लियर खुलेगा, कहीं फंसेगा नहीं। दोस्तों, आप भी प्रिंटर द्वारा बटर पेपर प्रिंट करने के बाद सबसे पहले इसे एनहांसर द्वारा ऐसे मीटर को काला कर दें, उसके बाद ही मीटर बनाएं, बिल्कुल अच्छा मीटर बनेगा स्क्रीन पर आपका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।